अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, फिट फाट होंगे। हाँ जी, तो आज मेरे व्लॉग का जो सेकंड पार्ट है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ट्रैवलिंग जो है वो मेरी जारी है। सफ़र काफ़ी लंबा था तो सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए। फॉग इतनी ज़्यादा हो रही थी ना मोटरवे पे, तो बहुत खूबसूरत लगता है जब हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और धुंध सी हुई भी हो। तो बहुत अच्छा सफ़र गुजरा था। और यहाँ पर मैं एक बात आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जब भी सफ़र में निकलें तो सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ा करें, ताकि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर आपको ज़बानी याद है फिर तो बहुत ही बेस्ट है, और अगर नहीं याद है तो इसको अपनी गाड़ी में इस तरह से हैंग कर लिया करें, ताकि जैसे ही आपकी नज़र पड़े और आप तो आप उसको फौरन जो है ना पढ़ लें। तो यहाँ पर जी वीडियो मेरी स्टार्ट है, और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर किया करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं। तो यहाँ पर जी स्टार्ट है मेरा सफ़र, और चलें देखते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। लाहौर के अंदर और मैं जा रही हूँ लाहौर। ये देखिए जी, टूल प्लाज़ा काफ़ी रश था, काफ़ी लोग जो हैं वो जा रहे थे। एक्चुअली बस हमारा भी प्रोग्राम ये था कि वेकेशंस जो हैं वो बच्चों की तकरीबन ख़त्म हो रही हैं, ठंड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें जो है ना वो थोड़ा सा एहतियात भी करनी थी कोरोना की वजह से। तो लेकिन ये भी ज़रूरी जो काम करने हैं वो तो जी ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर मैं बच्चों को ले आई थी, और अभी मैं आई हूँ यहाँ पर। सबसे पहले जो मैंने जहाँ पर बच्चों को विज़िट करवाया था वो ज़ू था, लाहौर का चिड़ियाघर, में वहाँ लेके। लेकिन पहले मुझे ये था कि ये बंद होगा, लेकिन ये खुला हुआ था, तो हम सिर्फ चेक करने आए थे कि ये खुला या नहीं, लेकिन ये खुला हुआ था। तो मैं इन बच्चों को लेके अंदर आ गई। यहाँ पर इन्होंने मे बी के ठंड की वजह से या कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ बंद था, काफ़ी कुछ बंद था ना, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको जानवर नज़र आते हैं ना। बहुत अच्छा यहाँ पर इंतज़ाम था, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं, रश भी इतना नहीं था, और हमें काफ़ी सारी जो थी ना जगहें वो खाली नज़र आ रही थी ना। खैर, यहाँ पर जितना भी था हमने एंजॉय किया, क्योंकि अब हम इंटर हो चुके थे, तो मैंने कहा चलें जी अब आप लोग जो है ना इसका जितनी विज़िट आपने करनी है ना, बच्चों ने घूमना है वो यहीं पर घूम लें, तो चलें आए सैर करते हैं। नॉर्मली होता ही है ना कि बच्चे जो है ना वहाँ जाएं जहाँ पर बच्चे इंजॉय कर सकें ना, तो इस टाइप की जो जगहें होती हैं ना वहाँ पर बच्चे जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं।
तो शौक से देखते हैं, खुश होते हैं। तो ज़ाहिर है अब ऐसी जगहों के ऊपर बड़े तो ज़रा इतना नहीं जाना ज़रा पसंद करते, क्योंकि बच्चों की खातिर ही जाते हैं। यहाँ पर आप जितनी फैमिलीज देखेंगे उनके साथ बच्चे होते हैं, तो बच्चों को एंजॉय करवाना होता है। तो फिर मेरे हिसाब से तो बच्चों के लिए बेस्ट जगह है। तो ठंड भी थी और शाम होती जा रही थी, हम लोग काफ़ी लेट हो रहे थे। लेकिन मेरा जो था ना वो यही था कि जब तक यहाँ पे फैमिलीज़ हैं तब तक हम भी बच्चों को यहाँ पर ना मैं सैर करवा लूँ, उसके बाद देखेंगे कि हमने कहाँ पर जाना है। काफ़ी सारे केजेस ऐसे थे जिसको उन्होंने कवर किया हुआ था, पता नहीं अब वो अंदर से खाली थे या ठंड की वजह से उन्होंने ना जो केजेस थे ना उनको कपड़े के साथ सारा कवर किया हुआ था। खैर हमें जितना भी नज़र आ रहा था तो हमने वो देखा और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पर। ये देखिए और जी मैं आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे से रैबिट्स भी थे यहाँ पर, छोटे छोटे थे, बड़ा मुझे यहाँ पे इस केज के अंदर कोई नज़र नहीं आया। के बाद अब चूंकि अंधेरा हो रहा था और जो जू था उसका बंद होने का भी टाइम हो गया था, तो फिर हमने सोचा कि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने फिर यहाँ पर ऑटो लिया और ऑटो से फिर हम यानी रिक्शे पे फिर हम जो हैं वो मेट्रो आ गए। मेट्रो का ऑलरेडी मैं आपको विज़िट करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं हम लोग आ गए मेट्रो के अंदर और यहाँ पर देखिए जो विंटर की कलेक्शन सारी आई हुई थी। ज़ाहिर सर्दियां हैं तो अब आपको पता है कि बूट्स वगैरह जो है ना ये बहुत इन हैं, फैशन में भी हैं, और वैसे भी ठंड की वजह से जो हैं वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बन शूज़ वगैरह लेना। तो यहाँ पर हमने जी यहाँ की सारी वैरायटी देखी कि आजकल क्या चीज़ आई हुई है। और इसके अलावा मैं गई हूँ जो यहाँ पर आई हूँ गुल अहमद के ब्रांड के ऊपर, और यहाँ पर जी इनकी विंटर कलेक्शंस थी सारी लगी हुई थी, बहुत अच्छे प्रिंट थे, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। आपको पता है ज़्यादा ब्रांडेड सूट्स हैं तो क्वालिटी तो फिर ज़बरदस्त होगी, और इसके साथ साथ रेट्स भी यहाँ पर मेंशन हुए हुए थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सेल्स भी लगाई हुई थी ना, कहीं पे 25% ऑफ था, कहीं पे 50% ऑफ था, इस तरीके से ना उन्होंने मेंशन किए हुए थे। ये देखें ये सारी जो है ना प्रिंट्स आए हुए हैं। अच्छा यहाँ थ्री पीस सूट्स भी हमने देखे और यहाँ पर मैंने कुर्तियाँ भी देखी, ठीक है, जो सिर्फ कुर्ती थी ना वो भी थी, आइडियाज़ की थी, गुल अहमद की थी, और प्राइजेस मेंशन थे सबके ही। तो काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी यहाँ पर, ट्राउज़र्स थे बच्चों के बड़ों के, और उमामा का साइज़ मैं देख रही थी, काफ़ी अच्छे अच्छे साइज़ेस में लगी हुई थी, बहुत अच्छी थी। ज़ाहिर है जब आप चीज़ अच्छी देखते हैं तो फिर उस हिसाब से रेट्स भी होते हैं, तो रेट्स भी इनके जो थे वो ज़ाहिर है चीज़ के हिसाब से रेट्स थे। तो खैर हमने यहाँ पर ये सारी जो ब्रांड्स के थे गुल अहमद के हमने वो सारे देखे यहाँ पर। अच्छा जी यहाँ पर इसके अलावा ये बच्चों की कलेक्शन थी, बच्चियों की भी सर्दियों के हिसाब से टू पीस लगाए हुए थे उन्होंने, हर साइज़ था यानी, तो वो मैं देख रही थी, पैकेट्स में पैक थे, ऊपर रेट्स लगे थे। पहले मैं सोच रही थी कि इनको खुलवा के भी चेक करना चाहिए, तो ज़ाहिर है जो चीज़ आपको पसंद आती है आप वही खुलवाते हैं। ये हैंग हुए हुए थे, फ्रॉक्स थे बच्चों के,
ये सारी विंटर कलेक्शन थी, सर्दियों के हिसाब से थे यहाँ पर लगे हुए, बहुत अच्छे थे, फैंसी थे। तो ये हमने देखी हैं, ठीक है। यहाँ मामा का साइज़ भी था, बड़ी बेटियों के साइज़ भी थे। तो ये देखिए जी, इनकी कलेक्शन सारी यहाँ पर हैंग हुई हुई थी, बहुत अच्छे प्रिंट थे, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग थी। ये देखिए, पार्टी वेयर्स होते हैं, यानी इस तरह के हैं कि आप इजीली जो है ना उनको वेयर कर सकते हैं, और बच्चे जो है ना वो कंफर्टेबल रहते हैं इस तरह के ड्रेसेस में ना। 50% ऑफ भी थी इनके अंदर, 25% ऑफ भी उन्होंने मेंशन की हुई थी। देखिए ट्राउजर्स जो हैं वो बहुत अच्छे थे, छोटे साइज़ के जो थे ना वो भी बहुत अच्छे थे, यानी डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। ये देखें, ये उमामा के साइज़ का मुझे गरारा नज़र आया, ये भी बहुत अच्छा था। सेल्फ प्रिंट थे, बहुत अच्छे थे। आप लोग ज़रूर विज़िट किया करें, इस तरह के आइडियाज़ के थे यहाँ पर सारे सूट्स लगे हुए। अच्छा, एक इन्होंने यहाँ पर ट्राउज़र्स का सेक्शन जो था ना वो अलग बनाया हुआ था, तो यहाँ से जी हम ट्राउज़र्स देख रहे थे। आप भी देखिए, इसके अलावा जी वहाँ से हम निकले तो जो बाहर मेट्रो की शॉप्स थी ना उनके ऊपर ये इतना खूबसूरत लग रहा था, ये हर कलर में था और अलग अलग डिज़ाइनिंग थी इसकी, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। सर्दियों में बच्चियाँ वेयर करें तो बहुत अच्छी लगती हैं, देखिए मैरून कलर का बहुत खूबसूरत लग रहा था। और जी यहाँ पर हमने चीज़ें देखी हैं, कुछ डेकोरेशन की थी, कुछ टॉयस थे बच्चों के। यहाँ पे मैं ट्राईपॉड देख रही थी, ये छोटा सा ना, लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा बड़े साइज़ का चाहिए था, ये काफ़ी छोटा था ना, तो फिर मैंने ये नहीं लिया क्योंकि मुझे इससे बड़ा साइज़ मैं ढूंढ रही थी कि मुझे मिल जाए ना। इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। और जी बच्चों को ऐसी जगहों पर जाएँ बच्चे, और बच्चे इंजॉय ना करें, ये देखिए जी यहाँ पर बच्चे इंजॉय कर रहे थे। ये देखें जी, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो इनको शौक़ है ना इन्हीं चीज़ों का, तो यहाँ पर बच्चे इंजॉय करें। आप लोग भी ज़रूर विज़िट किया करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा जो व्लॉग है वो पसंद आएगा, और इसका एक और पार्ट है जो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी, और आप देखिएगा कि मैंने मेट्रो से कुछ ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा, और मैं कहाँ कहाँ गई हूँ, ये जी मैं आपको कल के लास्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे व्लॉग को देखते रहिए और देखिए मज़ीद इसमें आपको क्या नज़र आता है। चलें जी, चलते हैं ग्रॉसरी सेक्शन में, और आप देखिएगा कि मैं अब यहाँ से क्या ख़रीदने वाली हूँ, और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने क्या ख़रीदा तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। मिलूँगी आपसे कल इसी व्लॉग के तीसरे हिस्से के साथ। अल्लाह हाफिज़।